डिस्कस करने वाले हैं वो है कि यू नो आई नो नीट आ रहा है, सब लोग बहुत ज़्यादा टेंस और स्ट्रेस्ड हो गए, राइट? सो दिस वीडियो हाई गाइज एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि यू नो आई नो नीट आ रहा है, सब लोग बहुत ज़्यादा टेंस और स्ट्रेस्ड हो गए, राइट? सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट कि वन डे बिफोर एग्ज़ाम यूजली सारे बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, राइट? कि क्या पढ़े क्या ना करे। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि आपको एक दिन पहले आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। अब मेन इम्पॉर्टेंट तो आई फील आपको काम डाउन रखना है, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो बिकॉज इट इज़ ऑफ नो यूज़। स्ट्रेस अभी कोई मतलब का नहीं है ज़्यादा परेशान की से। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज वन डे बिफोर एग्ज़ाम वॉट आई फील यू गाइज कैन डू इज राइट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यू नो आई फील अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना तो आपका ब्रेन प्रॉपर फंक्शन करना चाहिए, राइट? एंड फॉर दैट पर्पज आई फील आपका स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर स्लीप आप लो 7 से 8 घंटे एग्ज़ाम देने से पहले, राइट? और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह कर लो ताकि आपकी बॉडी मतलब आप थोड़ा थक जाओ, जिसकी वजह से आपको नींद जल्दी आ जाए एक दिन रात को पहले और आप सो सको। यू नो स्लीप इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और आई फील कि एग्ज़ाम से पहले आपको अच्छा अच्छा खाना खाना चाहिए, मतलब अच्छा अच्छा इन द सेंस नॉट ऑयली फूड और जंक फूड और योर फेवरेट स्टफ, नो 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 नो, अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। यू नो ये सारी चीज़ें अवॉइड करो, लाइट खाना खाओ और ज़्यादा लिक्विड डाइट लो, लिक्विड मतलब जूस पियो, जितना भी ज़्यादा आपको रिफ़्रेश करती है वो सारी चीज़ें खाओ पियो, ताकि यू नो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, आप अच्छे से सो पाओगे, सारी चीज़ें अच्छी 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 आएंगी, राइट? व्हाट यू कैन डू इन द लास्ट डे आई फील आप बस सिर्फ इतना कर सकते हो, राइट? मैंने मतलब आप सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो, फिजिक्स के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो, केमिस्ट्री में फिजिकल के कर लो, और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हो गए और फिर बायो में जो भी आपको इंपॉर्टेंट ऐसे लगता है जैसे किंगडम वाले हो गए ना, वो सब आप रिवाइज कर सकते हो। ज़्यादा छोटे छोटे चैप्टर्स जो आपको लगता है कि हाँ इनमें रिविजन की ज़रूरत है या फिर फार्मूला, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ज़्यादा ऐसा स्ट्रेस मतलब लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड वन मोर थिंग, पॉजिटिव रहो यार, पॉजिटिविटी बहुत, यू नो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई फील। अगर आप पॉजिटिव हो बस, आप अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है ना या फिर थोड़ा सा आपको टेंशन होता है, बस आप ये सोचो कि आप इतना टाइम आपने मेहनत किया है, अपने ऊपर भरोसा रखो यार, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वही है। अगर आप खुद पर ट्रस्ट करते हो ना तो आप सारी चीज़ें कर सकते हो, फिर आपको कोई चीज़ रोक नहीं सकती। सो मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ट्रस्ट, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड फिर आपको कोई चीज़ नहीं रोक पाएगी। तो यही चारों चीज़ें जो मैं आपको बोलूँगी, सबसे पहले स्लीप अच्छी लो एंड खाना, आपका खाना मतलब ऑयली फूड मत खाओ, मसाले वाला, वाटर ज़्यादा पियो और जितना भी जूसेस वगैरह ये सब थोड़ा बहुत रिविजन कर लो एंड पॉजिटिव रहो। ये सारी चीज़ें मैं आपको बोलूँगी, आप ये एक दिन पहले करो, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो गाइज हैव वी कम विद द एंड ऑफ द वीडियो। सो मैंने ऑलरेडी मतलब आई फील इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो मैंने सुना है बहुत सारे जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे ना, जब हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, बहुत लोग मतलब यूजुअली ऐसा होता है सो नहीं पाते यार बच्चे रात में, मतलब काफ़ी नींद नहीं आती है रात रात तक। तो ऐसा आपको नहीं करना है, स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन करे। इसलिए मैंने ये सोचा कि ये वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट है ताकि आपको थोड़ा बहुत टिप्स मिल सके, और बाकी आप तो समझदार सब है यार, सबको पता है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक बटन भी प्रेस करो और सब्सक्राइब करो मेरा चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड।